गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन. वी हैड स्टार्टेड टू लर्न एमएस एक्सेल. व्हाट वी हैड डन इन एमएस एक्सेल, हाउ टू ओपन अ फाइल, हाउ टू सेव इट, हाउ टू चेंज फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, अंडू, रीडू, इंसर्शन ऑफ कॉलम एंड रोज, कट, कॉपी, पेस्ट. वी हैड डन इन लास्ट थ्री ट्यूटोरियल्स, हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. आज जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू टेक्स्ट को कंकैटिनेट कैसे करेंगे, नेम शीट, जो शीट की टैब होता है उसका नेम कैसे चेंज करेंगे, या कलर कैसे हम चेंज करेंगे. आज ये टॉपिक हम कवर करेंगे. सबसे पहले कैसे एक्सेल ओपन करते हैं वो आपको पता ही है. आपके डेस्कटॉप पे ही पहले से ही आइकन जो लास्ट टाइम आपने सेव किया होगा उसी पे आप क्लिक कर सकते हो, या आप नई वर्कशीट भी ले सकते हो. जैसे लास्ट टाइम जो हमने किया था दिस शीट पे किया था, तो इस तरह से ये हमने लास्ट टाइम किया था प्रैक्टिस. कट, कॉपी, पेस्ट, स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया था, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, मार्क्स इन मैथ, देन हम सम करते थे, इस तरह से सम करते थे सभी. तो आज हमने क्या करना है, एडिशन तो अभी आपको आ ही गया है लेकिन फिर से चलो रिपीट कर लेते हैं. मैं क्या करती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ. दो वैल्यूज, ए, ए की वैल्यू क्या होगी, देन सपोज बी वैल्यू, ये मेरे हेडिंग्स हैं. तो मैं ए और वैल्यू और बी वैल्यू का क्या करना चाहती हूँ, सम, then suppose subtraction. इस तरह से हम sum, subtraction, multiply करना चाहते हैं, then multiply, then division. मैंने heading बना ली है आपको समझाने के लिए, मैंने heading बना ली है. तो यहाँ पे आप कैसे table draw करते थे, click करते थे यहाँ पे, तो आप आउटसाइड बॉर्डर लेते थे, ऑल बॉर्डर्स क्लिक करो. इसका साइज कैसे चेंज कर सकते हो आप, यहाँ पे साइज इंक्रीज कर सकते हो आप. विड्थ कैसे चेंज कर सकते हो, इस तरह से आप माउस को क्लिक करके इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है जी. अब क्या है, मुझे इसको बोल्ड करना था तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करती थी. तो ये हमने लास्टिंग कर लिया है सब कुछ. अगर इसका कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पे जाओगे आप फिल कलर पे, होम टैब के अंदर ही है सब कुछ ये. तो कलर आपको चाहिए, सपोज रेड चाहिए, तो आपने इस तरह सेलेक्ट कर लिया. तो अब मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ. मैंने ए की वैल्यू सपोज ली 134, ठीक है जी. बी की वैल्यू ली है मैंने 45. तो मुझे सम करना है. तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो भी जिस भी सेल पे हम क्लिक करेंगे वो यहाँ पे बताता है कि कौन सा सेल है. जे 11 है, जैसे जे क्या है हमारा कॉलम है, 11 क्या है हमारी रो है. इसी तरह से 134 पे मैंने क्लिक किया तो ये सेल कौन सा है हमारा, एच क्या है हमारा कॉलम है, और रो क्या है हमारी 15 है. तो ये किस पे है हमारा, H15 पे, और ये किस पे है हमारा अब I15 पे. जब भी हमने सम करना है, जैसे मैथमेटिक्स में प्लस का सिंबल यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली सम करने की जगह जैसे इनकी वैल्यू प्लस इज इक्वल टू 134 प्लस 145, तो हम सेल का रेफरेंस देते हैं. कैसे देंगे, इज इक्वल टू, तो ये किस 134 कौन से सेल में है, H15 में. तो आप डायरेक्टली जब यहाँ पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे H15 आ जाता है, या आप सिंपल लिख भी सकते हो फिर प्लस. तो जैसे अब नेक्स्ट सेल कौन सा है हमारा, I15, तो मैं I डाल के यहाँ पे क्या डालूंगी, 1515, देन प्रेस करूंगी एंटर, तो इसका सम मेरे पास आ जाएगा. H15 प्लस I15, ये हमारा फॉर्मूला हो गया. तो हमने इस तरह से इसका सम किया. अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्शन करनी है तो मैं क्या करूंगी, इसकी अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो क्या करेंगे, हम इस पे जाएंगे सब्ट्रैक्शन वाले सेल पे,
इज इक्वल टू, वही कौन से सेल की करनी है हमने, एच 15 माइनस, देन क्या लिखेंगे हम, I 15, देन प्रेस एंटर। तो अब क्या आ गया हमारे पास, इनकी सब्ट्रैक्शन आ गई 89। अगर हमने इसकी मल्टीप्लाई करना है इसको, वही सिंपल, आपने सिंबल ही चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। तो इज इक्वल टू कौन से सेल में हूं मैं, H 15, H 15 मल्टीप्लाई का सिंबल, देन I 15, देन एंटर। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। अगर डिवीजन करनी है इसी तरह से, तो आप क्या करोगे, वही इज इक्वल टू आपने डालना नहीं भूलना, तभी आपका फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेगा। इज इक्वल टू देन H 15 डिवाइड बाय क्या होगा आगे, I 15। तो एंटर किया, तो इस तरह से ये पॉइंट में वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इस तरह से हम करते हैं। तो अब आप सोचोगे कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, तो मैं डायरेक्टली लिख लेती इज इक्वल टू, जैसे अब यहाँ पे है, अगर मैं डायरेक्टली इज इक्वल टू 45 सॉरी 134 प्लस 45 कर लूँ, तो भी मेरे पास आंसर तो आ ही जाएगा ना। तो अब मैं यहाँ पे सेल की रेफरेंस दे रही हूँ, सेल रेफरेंस मतलब मैं यहाँ पे रो कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है ना वो प्रोवाइड कर रही हूँ, जैसे इज इक्वल टू क्या है, H 15 प्लस I 15, इस तरह से। तो इसका फायदा क्या है, जैसे सपोज नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे कुछ और वैल्यू ली 34, 67, तो मुझे क्या है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल सी कॉपी करूंगी, तो जहां पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल वी किया, तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 34 छोटा नंबर है, 67 बड़ा है, 34 माइनस 67 हमारे पास -33 हो गया। इसी तरह से आप और वैल्यूज भी ले सकते हो, 56, देन आप ले लिया 34, तो आपने कुछ भी नहीं करना, चाहे आप इस तरफ से भी कर सकते हो, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, इसका क्या है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी इस तरह से भी कर सकते हो, मतलब आपका जो फॉर्मूला है अब वो फिक्स हो गया है। तो अलग जो रो के लिए और कॉलम के लिए वो बाय डिफॉल्ट चेंज कर लेता है। तो इस तरह से क्या होगा, हमने एक बार फॉर्मूला एंटर किया, इज इक्वल टू डाल के सेल का रेफरेंस दिया इसके लिए, तो देन नेक्स्ट जो रोज है वो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट से ये फॉर्मूला भी कॉपी और पेस्ट हो जाता है, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा तो वैल्यू हमारे पास इनकी आ जाएंगी। अब हमने क्या कर लिया, सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन हम सीख गए हैं कि कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, इज इक्वल टू सिंबल डालते हैं, देन क्या करते हैं हम, जिस सेल की हमने वैल्यू को सम करने हैं तो उसकी सेल का रेफरेंस देते हैं, कौन से कॉलम है कौन सा रो है, देन हम क्या करते हैं सिंबल डालते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा सिंबल डाला, माइनस डाला, देन क्या करते हैं कौन सी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है तो उस सेल का रेफरेंस देते हैं। आई क्या है हमारा, कॉलम नेम है, 15 क्या है हमारी, रो है, इस तरह से हम ये सभी सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन हम कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सेकेंड थिंग जो कहा है कि हमने करनी है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला बताओगे सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो इस तरह से करते हैं ना, तो इसी चीज को हम एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपके पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, देन टाइम डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, एक बार फॉर्मूला लगा दोगे, जब एक बार आपने फॉर्मूला लगा दिया ना, देन आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की। मैं करके बताती हूँ, जैसे सपोज मैंने प्रिंसिपल लिया, एक प्रिंसिपल, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन मैंने क्या लिया, टाइम, देन मुझे कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। प्रिंसिपल सपोज मेरा है यहाँ पे 1000, रेट क्या है 5%, टाइम क्या है मेरे पास 2 ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्लिक किया, तो अब इस सेल पे आपने फॉर्मूला, आप चाहते हो ना इसकी वैल्यू यहाँ पे आए, ये आप वर्ड रैप कर लो इस तरह से, अगर आपको
डिफिकल्टी लग रही है तो आपको बताया हुआ है ना वर्ड रैप भी कैसे करते हैं हम, तो बॉर्डर भी आप एक बार सिलेक्ट कर लो इस तरह से। ठीक है जी, तो अब क्या है मुझे बोल्ड कर लिया मैंने इसको भी, तो मुझे फॉर्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का। कैसे लगाती हूँ फॉर्मूला, वैसे ही जैसे हमने बाकी फॉर्मूले लगाए हैं, इज इक्वल टू डाल के लगाना है। देन क्या चाहिए मुझे, ये चाहिए कौन से सेल में है ये मेरा P2 मल्टीप्लाई, फिर रेट कौन से सेल में है मेरी, आपको पता ही है आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्या है हमारा P3 मल्टीप्लाई। अब मैंने देखो वर्टिकली लिए हैं सारी वैल्यूज, आपको पता लग जाए ताकि टाइम क्या है मल्टीप्लाई बाय कौन सा है P3 ओ सॉरी P4, P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई P4, तो ये हमारी सेल की रेफरेंस है ये वाला। डिवाइड बाय क्या करेंगे 100 करेंगे, तो इज देन एंटर प्रेस किया तो हमारे पास क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर 1000 प्रिंसिपल है, रेट 5% है, टाइम 2 ईयर्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सपोज करो हमारे पास कोई और प्रिंसिपल है, रेट हमारी और है, टाइम 1 ईयर है, तो सिंपल क्या है कंट्रोल सी, इस सेल को कंट्रोल सी कॉपी किया देन यहाँ पे पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला इसी सेल के लिए भी हो गया। तो 240 क्या है इन वैल्यूज का आगे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो मीन्स एक्सेल में जब भी आपने फॉर्मूला लगवाना है तो इज इक्वल टू डाल के जो भी फॉर्मूला एक बार सेट कर दिया देन कॉपी पेस्ट करके वो अलग जो रो है कॉलम के लिए भी वो वर्क करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर्मूला आपको याद था, आपने इस सेल के ऊपर ये फॉर्मूला लगा दिया कि P2 का मतलब क्या है इस सेल में जो वैल्यू है, P क्या है कॉलम नेम, 2 क्या है रो, 5 क्या है हमारी इस सेल में जो रेट की रिलेवेंट वैल्यू है वो किस में आती है हमारी P3 में, फिर ये हाँ जो वैल्यू है वो किसके लिए है P4 के लिए, देन डिवाइड बाय 100 किया तो ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट इसी तरह से आप और भी वैल्यूज के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज हो और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है जी, नेक्स्ट जो थिंग है वो हमने क्या करनी है कंकेटिनेशन करनी है, ये हमने कवर कर लिया है, सम कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गई, डिवीजन भी हो गई, सिंपल इंटरेस्ट भी हो गई। देन है कंकेटिनेशन, कंकेटिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज को जोड़ना कि हमने क्या करना है किसी चीज को, जैसे सपोज करो मैंने अपना नेम है सोनिया, ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रोवर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है मैंने यहाँ पे मेरा सपोज फर्स्ट नेम लिखा, फर्स्ट नेम, ठीक है जी यहाँ पे मेरा लास्ट नेम लिख दिया मैंने। तो अब क्या है किसी ने मेरे से फुल नेम पूछना है, तो फुल नेम करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे फुल नेम है मेरा क्या है, मेरा फुल नेम क्या हुआ सोनिया ग्रोवर हुआ ना, तो मुझे क्या है अब ये सोनिया ग्रोवर फिर से लिखने की रिक्वायरमेंट है बताओ, है ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्यों लिखूं फिर से। तो अब मैं क्या करूंगी, क्या करना चाहिए कंकेटिनेट करना चाहिए। कैसे करते हैं कंकेटिनेट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हम एंड का सिंबल यूज करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आप 7 को प्रेस करते हो देन ये सिंबल आपके पास इस तरह से एंड का सिंबल होता है तो आप उसको प्रेस कर सकते हो। कैसे करेंगे जैसे देखो वही इज इक्वल टू डाल के, जब भी एक्सेल में वर्क करना है पहले इज इक्वल टू डाल ही दो आप लोग, फिर उसके बाद सोनिया किस में पड़ा है हमारा कौन से कॉलम में, बी में, रो क्या 22 है तो इज इक्वल टू बी 22, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बी 22। ठीक है जी, देन मैंने क्या बताया क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके 7 करना प्रेस देन ये एंड का सिंबल होगा, देन क्या होगा हमारे पास एम्परसेंड भी बोल सकते हैं, देन उसके बाद हमारे पास क्या है ये सी, देखो कहाँ पे नहीं डी में है, डी क्या है हमारा कॉलम है, 22 क्या है हमारी रो है, तो यहाँ पे डी 22 डाल दिया तो एंटर प्रेस किया, अब सोनिया ग्रोवर क्या है हमारा इकट्ठा आ गया। लेकिन देखो सोनिया ग्रोवर के बीच में स्पेस नहीं आई, अगर आपको स्पेस चाहिए ना तो आप फॉर्मूले में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो देखो बी 22 एंड किया तो एक एंड और डाल लो, आप डाल लिया देन इस एंड के बीच में आपने डबल कोट्स डाल लेने हैं, डबल कोट्स के बीच में आप जितनी स्पेस दोगे ना
उतने नंबर ऑफ करेक्टर की स्पेस वहां पे शो हो जाएगी। देखो यहाँ पे फिर एंड ऑफ फॉर्मूला ले आए, एंटर प्रेस किया तो सोनिया ग्रोवर के बीच में स्पेस भी आ गई। मतलब जो कंकेटिनेशन है इस एंड सिंबल के थ्रू हम करेंगे, B22 देन एंड सिंबल देन आपका क्या करेंगे डबल कोर्स देन फिर सिंबल देन D22 हमारा इस तरह से हुआ, देन प्रेस किया एंटर तो इस तरह से हमारे पास ये नेम हो गया। इसको एम्परसेंट भी बोल देते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हमने इसकी कंकेटिनेशन की है। अब एक और चीज जो हमने करनी है, मुझे इस शीट का नेम चेंज करना है। यहाँ पे देखो शीट वन लिखा हुआ आ रहा है ना, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरी शीट का नेम चेंज हो जाए। तो आपने इस शीट पे माउस का जो कर्सर है यहाँ पे लेके आना है, देन राइट की प्रेस करनी है। जब राइट की आप प्रेस करोगे ना तो इसके थर्ड में ऑप्शन आ जाएगा रीनेम का, तो रीनेम पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ब्लैक हो जाता है शो, तो यहाँ पे आप नेम दे सकते हो। जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे सोनिया लिख दिया, तो मेरी शीट का नेम देखो सोनिया चेंज हो गया। कलर चेंज करना है तो वहीं पे शीट के ऊपर ही, मतलब सोनिया के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया देन टैब कलर पे क्लिक करो। जो भी कलर आप चूज करोगे ना इस टैब का वही कलर हो जाएगा। जैसे सपोज मुझे रेड कर लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये रेड कलर का टैब कलर चेंज हो गया देखो, ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इस शीट के ऊपर। मीन्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ना एक्सेल में आपके नीचे शीट शो होती हैं। आप नेक्स्ट शीट कैसे बनाते हो वो बाद में बताऊंगी। जैसे शीट वन है तो शीट वन का नाम मैंने शीट टू का, नेक्स्ट शीट टू ब्लैंक है, नेक्स्ट शीट थ्री पे क्लिक करोगे ये भी ब्लैंक है। अब हमें काम जो कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं, सोनिया शीट पे कर रहे हैं। तो आज हमने क्या कुछ कर लिया, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का मैंने लगा के आपको बताया कि कैसे वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और कैसे कॉनकैटिनेट करते हैं, हम कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग को कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो मुझसे। आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।